स्नाइपर। गाइस आंखें दिखाता हूँ भाई, एक्सीडेंट हुआ है अभी कुछ दिन में और यहाँ पे लोग बागों को भाई दिखाई देता है। जंगल में वो देखो बंद हो गई। देखो देखिए गाइस, तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कार कैंपिंग वीडियो में। दोस्तों लोकेशन पे आ चुके हैं और लोकेशन कुछ ऐसी भाई खतरनाक है और हमने आज अपनी कार यहाँ पे नीचे खड़ी हुई की हुई है। और ये देखो भाई सामने सुनने में आया है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है अभी कुछ दिन में और यहाँ पे लोग बागों को भाई दिखाई देता है कुछ ना कुछ, पता नहीं कहते कुछ नेगेटिवली या तो कोई रोड पे चलता है कुछ ना कुछ दिखता है, आवाज आती है। तो इसी चीज़ को आज हम इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने आए हैं, इसलिए हमने अपनी कार भी नीचे लगा रखी है और कार के जस्ट ऊपर ये टॉप है एक ऊंची हाइट पे, तो यहाँ पे अपनी कैंपिंग करेंगे और जल्दी से करते हैं क्योंकि देखो सनसेट भी होने वाला है, सामने सूरज है थोड़ी बहुत देर में और आज कुछ बढ़िया से बनाने वाला है, तो देखते हैं आज क्या होता है भाई। आज ये हॉरर प्लेस है पूरा, वैसे तो यहाँ पे कुछ टावर लगा हुआ है लाइट का भाई, प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये देखो भाई पूरा इधर डीप फॉरेस्ट भी है, हाथी और भाई लेपर्ड का भी ज़्यादा खतरा है इधर, देख रहे हो ये पूरा फॉरेस्ट है भाई। तो जल्दी से भाई टेंट पिच कर लेते हैं और लकड़ी भी कलेक्ट करनी है यार हमें, यहाँ कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी तो वो तो मैंने कलेक्ट कर दी, कुछ दो चार लकड़ियाँ और कलेक्ट करते हैं, पहले टेंट पिच करते हैं। नीचे से मैं अपना बैग जिसमें सामान लेना था वो सामान ले आए रखे, पानी ले आया, स्लीपिंग बैग, और जिसमें मुझे आज खाना बनाना है मैं कुकर में बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बर्तन यूज नहीं करेंगे क्योंकि भाई सोलो है तो सोलो में तो ये चीज़ कामयाब है कि एक में ही यूज करके खा लो भाई। सब काम टाइम से पहले करने होंगे हमें आज।
दोस्तों, टेंट तो अपना पिच हो चुका है और हगरा चल रहा है यार, क्योंकि टेंट पिच करने में बहुत टाइम लग जाता है, हालत ख़राब हो जाती है अकेले। और जिसमें आई इतनी तेज़ हवा चल रही है कि टेंट उड़ उड़ जा रहा था, आपने देखा भाई। तो पहले चलते भाई लकड़ी लेके आते यार, लकड़ी कलेक्ट करते फिर मिलते हैं यार आपको। तो दोस्तों कुछ हमें लकड़ी मिल चुकी है, जो मेरे लिए शायद अगर ये मोटी जल गई ना तो इनफ होगा कि मैं यहाँ पे सरवाइव कर लूँ अपना खाना बनने तक, फिर अपने टेंट के अंदर चलेंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जल्दी से भाई अपनी चॉपिंग वॉपिंग जो करनी है ना बढ़िया सी बना लेते हैं और खा लेते हैं भाई। उससे पहले इस लकड़ी को काट लेते हैं पहले। गाइस ये धोखा दे रहा है यार हमें, चक्कू से देखते हैं कट जाए तो। चक्कू से काट लेते हैं, बहुत मेहनत लग रही है गाइस। ये देखो लकड़ी तो हमने तोड़ लिया, बॉनफायर थोड़ी देर में करेंगे, पहले भाई चॉपिंग कर लेते यार। लकड़ी काटते काटते भाई हालत खराब हो गई, ओके।
चावल है, इन चावल को इसमें डालते हैं और इसको फुला देते हैं यार। हमने कील गाड़ दिया, अब ये टेंट हिलेगा नहीं क्योंकि हवा इधर की है ना, ये दो कील कटगी हमारे लिए काफी है। तो कट चॉपिंग कर लेते यार। जंगल में कैंपिंग करना, कमेंट्स करना, लेकिन भाई एक बार आओ और देखो और करो तब पता लगती है कि भाई रियली में जंगल है। देखे सामने सनसेट हो चुका है भाई, सिर्फ रेड रेड लालिमा छाई हुई है। अब थोड़ी बहुत देर में अंधेरा होने वाला है बहुत ज्यादा, तो इससे पहले हमने अपनी चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ कर लिया है। और यहाँ पीछे कुछ शायद गांव की औरतें, भाई आपको दिखा, ये देखो कुछ गांव की औरतें जो यहाँ बैठी है, शायद ये काम करने वाली होंगी यहाँ पे। तो ये अब यहाँ से जाने वाली है भाई बतलाकर, तो कोई नहीं इनको बतलाने, लेकिन ये भाई अब थोड़ी देर में जाने वाले क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में 6 बजते ही अंधेरा हो जाता है और कोई दिखने वाला नहीं है रोड पे भी। एक आध गाड़ी कुछ गया तो गया, बाकी कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे अपने टमाटर और प्याज कट चुके हैं जल्दी से, और अब भाई अपने फ्राई कर लेते हैं खाना जो भी हमें बनाना है। और गाइस इस हवा ने तो यार हालत खराब कर रखी है, देखो कितनी तेज हवा है, मेरा पूरा टेंट उड़ उड़ जा रहा है यार। ये देखो, ये देख रहा, पता नहीं कैसे खाना बनेगा आज, देखना। तेज चल रही है ना, पूरा टेंट उड़ उड़ जा रहा है और देखो कैसे टेढ़ा हो चुका है मेरा। और अभी औरतें भाई यहाँ से जा रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से भाई बकरियों के लिए कुछ पत्ते तोड़ के लेके जा रही है, यहाँ पे शायद काम नहीं करते, पत्ते वत्ते तोड़ के जा रही है जंगल से। अब यहाँ से ये निकल जाएंगे भाई और फिर यहाँ पे भाई अकेले रह जाएंगे अब यहाँ पे। तो जल्दी से खाना वाना बनाते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। और वो लेडी से भाई चली गई है, अब कोई नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा, हम सोलो है। तो जल्दी से अपना बनाते हैं भाई।
हवा इतनी तेज चल रही है ना, बहुत ज्यादा, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अगर अंदर बनाऊंगा तो गाइस टेंट में जलने का डर रहेगा, क्योंकि अपने पास मैं वो नहीं लेगा यार, टेबल नहीं लेगा। टेबल आता ना तो बेस्ट रहता यार, अंदर आराम से बैठ के बनाता यार, तेल डाल देते यार। भाई अंदर कर लिया है, क्योंकि बाहर तो भाई बन नहीं पा रहा है खाना बिल्कुल भी, तो सारा सामान अंदर ले लेते हैं सब कुछ। हथियार रखना बहुत जरूरी है बाहर भाई अंदर, बाकी तो कोई डर नहीं है, बट यही है कि बाई चांस क्योंकि जल ना जाए। जीरा गर्म होने देते हैं दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है, प्याज डाल लेते हैं। डाल लेते गाइस इसमें मसाले, इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते यार। अंदर गाइस हालत खराब हो गई यार, तेल की महक चढ़ रही थी, और भाई हवा तो बाहर बिल्कुल तेज चल रही है यार। हम बाहर तो खाना आज नहीं बन पाता यार, क्योंकि हवा इतनी तेज है ना, काफी तेज है हवा। अब देखो अंधेरा होने वाला है थोड़ी बहुत देर में, 15-20 मिनट बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें भाई अपने इसमें लाइट लगाते हैं, और लाइट से पहले भाई बॉन फायर करेंगे भाई, क्योंकि बॉन फायर करनी बहुत ज़रूरी है भाई, अदरवाइज रुक नहीं पाएंगे बिन बॉन फायर के, क्योंकि कैसी सिचुएशन कैसी नहीं कुछ नहीं पता, क्योंकि यहीं पे ही भाई गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, और कहते कि जिसके एक्सीडेंट हुआ था जो यहाँ पे डेथ हुई है, तो भाई कहते कि रोड पर वो दिखाई देता है, या आवाज़ करता दिखाई देता है, बोलता हुआ दिखाई देता है,
ये चीज़ भी, और प्लस भाई लेपर्ड का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है यहाँ पे, तो देखते हैं भाई आज का एक्सपीरियंस। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो भाई गाड़ी में चले जाएंगे, सामान वान पैक करेंगे, गाड़ी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि सोलो है, रिस्क लेना नहीं है यार। तो जल्दी से बनाते भाई खाना। भाई इसमें पानी डालते हैं, पानी होगा इसमें। एक, दो, तीन। तो गाइस पानी बिल्कुल परफेक्ट बैठा है पीने के बाद भी। सब कुछ फिट हो चुका है, एक बार नमक टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं यार, क्योंकि अपने चावल बन जाएंगे ये बढ़िया से। और रोड चल रहा है अभी थोड़ा सा, तो बी केयरफुल, सावधान है थोड़ा सा यार, क्योंकि अगर रोड सेट रहेगा थोड़ा दिक्कत कम रहेगी। तो बाहर निकलते हैं, ये बन जाएंगे इतने एक सिटी में। गाइस यहाँ पे हमने अपना खाना रख दिया भाई, और टेंट ये लगा हुआ, और पूरा भाई फॉरेस्ट, ये देखो बढ़िया, ये देखो भाई। और वहाँ पे शायद जंगल में भाई आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, ये देखो भाई आप लोगों को दिख रहा हो, देखो देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे सनसेट हो चुका है भाई, अब अंधेरा होने, देखो रेड रेड लालिमा, और ऊपर बादल हो रखे है, शायद बारिश भी पड़ सकती है, कुछ नहीं पता। ये देखो सामने, और ये भाई ऊपर भी पूरा घना जंगल है, ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ ये टावर है, बाकी पूरा डीप फॉरेस्ट है। और ये देखो भाई, और इधर दिखाता हूँ, देखो पूरा जंगल है भाई। क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो भाई ये बॉनफायर करनी जरूरी है, एक बार इसमें लग गई ना तो फिर हमारी टेंशन खत्म। तो गाइस यहाँ पे अपनी बॉनफायर लग चुकी है, और यहाँ पे अपना टेंट, खाना अपना बन चुका है, और अंधेरा हो चुका है भाई, सारी जगह देखो कंप्लीट फुल 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 फुल। और टॉर्च निकाल लेते हैं। तो गाइस ये देखो फुल अंधेरा देख रहे हो, अब बताओ इस जंगल में क्या दिखेगा भाई, पूरा पूरा फॉरेस्ट है, ये देखो देख रहे हो, पूरा भाई पूरा फॉरेस्ट है भाई। और इधर अपना ये देखो आग लग चुकी है, और टेंट अपना भाई, और ये देखो भाई। तो अपना खाना बन चुका है, इसको आपके पास बैठ के आराम से खाते भाई। बढ़िया बन गया यार, तो परोस लेते हैं यार। थोड़ा सा निकाल के रख देते यार।
और आग थोड़ी सी भाई उधर फैल रही है, इसको भाई बंद कर देते हैं। तो गाइस ये आप लोगों के लिए भाई, एक दाल के भाई अलग ही टेस्ट आ रहा है यार, मजा आ गया। टॉर्च वॉच मार के देख लेते यार, टॉर्च जेब में नहीं रखते, बाहर रखेंगे। हाथ में रखते हैं टॉर्च को। मजा आ गया भाई, भाई भूख बहुत तेज लगी थी, पूरा खत्म कर लिया, ज्यादा नहीं थे यार, मुझे लगा बच जाएगा सुबह खाएंगे, लेकिन यार इन इतने से चावल को क्या छोड़ता है सुबह के लिए, इनमें पेट नहीं भरता ना फिर, क्योंकि फिर दोबारा बनाना ही पड़ता। गाइस आंखें दिखाता हूँ भाई, पेड़ के पीछे आंखें दिख रही है, नीचे ऊपर तो लाइट है, नीचे देखना अगर दिखती है तो यार, मुझे तो दिख रही, पता नहीं कैमरा में दिखेगी नहीं दिखेगी यार। पेड़ के पीछे दिख रही है यार जंगल में, वो देखो बंद हो गई, देखो देखिए गाइस, देखो येरी भाई गिर जा रहा भाई, वही है वो, देखो बंद हो गई भाई लेपर्ड। गाइस टेंट को बंद करते भाई फटाफट, यहां से निकलते, बॉनफायर हमने तेज कर दिया। तो दोस्तों सामान हमने अपना पूरा पैक कर लिया भाई, और बॉनफायर हमने तेज कर दी थी, और उसके बाद में भाई मैंने टाइम सेलेक्ट पे लगा हुआ था तो आवाज़ आ रही थी इधर से, भाई यहाँ से निकलते हैं। वीडियो कैसे लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, निकलते गाइस यहाँ से, तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय। भाई रिस्क लेते हैं, सोलो किया हालत खराब हो गई, कार कैंपिंग ही इज द बेस्ट कैंपिंग एंड सेफ कैंपिंग, क्योंकि भाई कुछ भी होता है अगर आवाज़ आती है तो भाई सीधे गाड़ी में बैठ जाओ, सामान बाहर पड़े रहने दो, बट यहाँ क्या कर सकते यार, तो यहाँ भी रोक सकते हैं, वैसे सामान छोड़ के जा सकते थे, बट अभी आवाज़ दूर से आ रही थी तो सामान पैक कर लिया है, निकलते गए यहाँ से। जय हिंद गुड बाय।